स्मार्ट सिटी उदयपुर, जी हाँ उदयपुर के आगे स्मार्ट लगता है। अब वो शहर कितना स्मार्ट है मुझे नहीं पता, मगर वहाँ अभी हाल के कुछ एक फोटोग्राफ्स देखे, एक विरोध प्रदर्शन के फोटोग्राफ्स थे और वो विरोध का तरीका बड़ा ही स्मार्ट था। जी हाँ, होता ये है कि दृश्य जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि कचरे का ढेर है, कचरे के ढेर के बीच में युवा खड़ा है, युवा के हाथ में एक तख्ती है, तख्ती पर लिखा हुआ है विधायक कचरा केंद्र। जी हाँ, फिर वो जगह बदल जाती है, कचरे का ढेर वहाँ पर भी अगली बार आगे से और दिखाई दिया देता है, वही युवा पुनः एक नई तख्ती के साथ उस कचरे के बीच में खड़ा मिलता है, तख्ती पर लिखा होता है मेयर कचरा केंद्र, कहीं लिखा होता है नगर निगम कचरा केंद्र। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। हालांकि ये पूरा विषय क्या है उससे भी आपको जोड़ूंगा, मगर विरोध का जो ये अलग तरीका है, क्योंकि कहते हैं ना कई बार बात को अलग तरीके से कहने पड़ती है, कई बार कान को हाथ घुमा के पकड़ना पड़ता है, तो ये जो विरोध का तरीका है बिल्कुल वो कान को हाथ घुमाकर पकड़ने वाला तरीका है और ये प्रभावी होते हैं, लोग इनसे जुड़ते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि सिद्धार्थ सोनी इनका नाम है जो ये विरोध प्रदर्शन की तमाम अगुवाई कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम युवा कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं और इनकी पूरी टीम इस एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है शहर में। तो मुझे लगा इस एपिसोड के माध्यम से ये तमाम चेहरे, ये तमाम विरोध प्रदर्शन आप तक पहुँचने चाहिए। और विषय बताया जा रहा है कि उदयपुर को कंटेनर फ्री करने की एक कोशिश मुहिम चल रही है, तो हर साल एक निश्चित संख्या में कंटेनर कम करने की कोशिश है, मगर कंटेनर का हटाया जाना और फिर बाकी उस के आसपास के कचरे का सही से निस्तारण हो पाना, ये तो पूरी प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं पेच उलझ रहे हैं, इसीलिए कचरे के ढेर, कंटेनर तो हट गए मगर कचरा नहीं हट पाया। तो फिर वहीं पर उस कचरे के बीच में सिद्धार्थ सोनी ये अलग अलग तरीके की तख्तियाँ लेकर इस विषय की तरफ नगर निगम का ध्यान आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए स्मार्ट सिटी के, स्मार्ट युवा की, स्मार्ट विरोध की तकनीक आप तक पहुंचा, और वैसे भी नाम के आगे स्मार्ट लगा देने भर से मुझे नहीं लगता कोई शहर स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि उदयपुर की इन दिनों हालिया जो रह रहे कि कुछ तस्वीरें आती है, चाहे जिसमें बताया जाता है कि देखिए सड़कों में कितने गड्ढे हैं, हालांकि सुनने में आ रहा अभी काम चल रहा है सड़कों का, मगर सड़कों के गड्ढों के फोटो आते हैं, अब बीच बीच में दृश्य आते हैं कि उन गड्ढों में किस प्रकार से लोग फंसे होते हैं, और वो बड़े ही यकीनन पीड़ा देता है, क्योंकि आम आदमी अपनी जेब से पैसे टैक्स भरता है, उसके जीवन में दुनिया भर की समस्या होती है और उन समस्याओं से जूझते हुए एक सड़क पर चलते हुए एक अनजान गड्ढे से वो रूबरू होकर एक ऐसी नई समस्या की तरफ चल जाता है जो उसकी ज़िंदगी को और भी दुर्बर बना देता है। तो जिस प्रकार के गड्ढे दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से उस गड्ढों में गिरते हुए लोग दिखाई देते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा सा शहर के किनारे की तरफ जाएँ तो जिस प्रकार से लंबे रूट, लंबी लंबी सड़कों पर जाम दिखाई देते हैं, जो बलीचा, प्रताप नगर, ये जो लंबे लंबे जाम दिखाई देते हैं, यकीनन इन तमाम दृश्यों को देखकर तो नहीं कहा जा सकता है कि ये एक स्मार्ट उदयपुर है, क्योंकि जाम में भी अभी कुछ दिनों पहले भी जाम लगा था, मेरे पास फ़ोन आए थे कुछ लोग एग्ज़ाम्स देने जा रहे थे, तो उस वक्त एक पीड़ा होती है, मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है, तो हम समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो मैंने सोचा चलिए सिद्धार्थ जी के इस स्मार्ट तरीके के माध्यम से कुछ और समस्याओं को भी हम रेखांकित करें और हम कोशिश करें कि इन तमाम समस्याओं को लगातार उठाते रहें, पुरजोर तरीके से उठाते रहें और कभी कभी स्मार्ट तरीक़ों से उठाते रहें, ताकि उदयपुर यकीनन इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करते हुए एक दिन स्मार्ट उदयपुर बन पाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।